बदमाश बन्नो। नमस्कार, माय नेम इज मिताली नाग, एके बदमाश बन्नो। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग सो मच लव ऑन द व्लॉग्स ऑन द चैनल। एंड बहुत मजा आते हैं मुझे जब आप लोग कमेंट्स पढ़ने के लिए मिलते हैं कि इसको दिखा, उसको दिखा, ये क्यों नहीं दिख रही है, वो क्यों नहीं दिख रही है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। इट्स अमेजिंग गाइस, जिस तरीके से आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं मेरे इस चैनल को और मेरे ब्लॉग्स को, थैंक यू सो मच, कीप डूइंग दिस, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है मुझे कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करने का। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था BTS के लिए और कुछ मोमेंट्स के लिए। इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हमारा जवान हाउस, एक्चुअली हमारा सेट, गुम है किसी के प्यार में का सेट गाइस। सो दिस व्लॉग इज बेसिकली द टूर ऑफ आवर सेट्स। आइए आपको दिखाती हूँ जवान निवास। वेल, अभी जिस हालत में आप देख रहे हैं वो हालत तब की है जब मैंने इनिशियल डेज में शूट करना स्टार्ट किया था, तब हमारा सेट बन रहा था, इसीलिए आप लोग इसे इस हालत में देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि सेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, इसलिए ये सब कचरा आपको दिख रहा है। मास्क तो हमें तभी भी पहनना था, अभी भी पहनना है। और ये नागपुर की गलियां जहां पे आपने काफी सारे फाइट सीक्वेंसेस देखे होंगे। और यहाँ मैं अपने असिस्टेंट के साथ कोशिश कर रही हूँ मेरा ग्रीन रूम यानी कि मेरा मेकअप रूम फाइंड करने की। My first day of shoot, that was my makeup room. देखिए, रात में भी काम चल ही रहा था। और ये ऊपर जो आप कवरिंग देख रहे हैं वो कवरिंग किसके लिए है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। हाँ, पेंटिंग एंड डेंटिंग, बड़े जोर शोर से काम चल रहा था। बिफोर वाला चवान निवास तो आपने देख लिया, अब आपको मैं आफ्टर वाला चवान निवास दिखाती हूँ। गेट में एंट्री लेते ही सेम कोविड प्रोटोकॉल्स, सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर चेक। ये जो आप देख रहे हैं वो है हमारा आंगन, काफी बड़ा और इसमें काफी ग्रीनरी है। वाटर फाउंटेन भी है जो वैसे तो कभी चलाया नहीं जाता। ये जो आप ब्लैक कलर की कवरिंग देख रहे हैं ना चवान निवास पे, वो पता है किसके लिए? ताकि नजर न लगे। थू। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। वो कवरिंग इसीलिए है ताकि लाइट कवर हो, क्योंकि हम अंदर शूट करते हैं ना। और ये जो दो लोग एंट्री ले रहे हैं, आइए आपको दिखाती हूँ कि इस दरवाजे के अंदर क्या है। ये देख रहे हैं आप, ये एक मल्टीपर्पज रूम है। मैं इसे मल्टीपर्पज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये अभी जिस हालत में आप देख रहे हैं वो पत्रलेखा का घर था। और ये जो ऊपर कवरिंग आप देख रहे हैं, इस कवरिंग से बारिश हमें नहीं छू सकती, हम लोग एकदम सेफली शूट कर सकते हैं। कभी कभी ये ओमकार जी और सोनाली जी का रूम बन जाता है। अभी जिस हालत में आप देख रहे हैं वो ओमकार जी और सोनाली जी का रूम है। और कभी कभी ये पुलकित देशपांडे का भी घर बन जाता है, इसीलिए मैं इसे मल्टीपर्पज रूम कह रही हूँ। वेल, इस रूम की खासियत ये है कि इसमें दो दो दरवाजे हैं और यहाँ के दूसरे दरवाजे से भी बाहर निकल सकते हैं।
आइए अब आपको एक बार फिर दर्शन करवाती हूँ नागपुर की गलियों की, जो कि अब रेडी हो गई है और साफ भी हो गई है। हेलो, ओके, सो एज यूजुअल कॉल टाइम से पहले मैं आ गई हूँ, मतलब 15 मिनट पहले, एंड इट्स नाइस एंड यू सी आई एम गोना शो यू हाउ इट लुक्स लाइक बिफोर वी स्टार्ट शूटिंग। ओके, सो नाउ आई एम गोना शो यू हाउ इट लुक्स लाइक अर्ली मॉर्निंग। बाहर बारिश होती रहती है, ये अखिलेश है मेरा असिस्टेंट। हाय अखिलेश और इन गलियों से गुजर के हम पहुंचते हैं चवान निवास, मतलब इसका पीछे का दरवाजा, बैक डोर एंट्री। ये जो आप देख रहे हैं ये एसी का वेंट है, इसे बोलते हैं एनाकोंडा। जी हाँ, इसे बोलते हैं एनाकोंडा क्योंकि ये बहुत लंबा होता है। तो इस लंबे से एनाकोंडा को पार करके हम पहुँचते हैं चवान निवास के ग्रैंड लिविंग रूम या ग्रैंड हॉल में। देख रहे हैं आप, मुझे लगता है कि चवान निवास के लिविंग रूम या हॉल का पूरा टूर दिखाने के पहले मुझे हमारे चवान निवास के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, और वो है हमारे गणपति बाप्पा। एकदम विशाल और एकदम सुंदर गणपति बाप्पा मोरिया, ये है चवान निवास के हॉल का वो पार्ट जहाँ पे हर वो सीन शूट किया जाता है जिसमें लंबे वॉक्स होते हैं। तो आपने हमारे शो में वो जितने भी शॉट्स देखे हैं जहाँ सई या विराट या देवयानी लंबे लंबे वॉक्स लेके आए हैं, वो इसी कॉरिडोर में शूट हुए हैं। है ना एकदम ग्रैंड चवान निवास का लिविंग रूम। लिविंग रूम से एडजेसेंट है डाइनिंग रूम। बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल, आई थिंक कुल मिला के यहाँ पे 10 चेयर्स हैं, लेकिन फिर भी चवान फैमिली के सारे लोग एक साथ बैठकर इस डाइनिंग टेबल पे आज तक खाना नहीं खा पाए। मानना पड़ेगा हमारे राइटर्स को। अब डाइनिंग एरिया दिखा दिया तो इसके साथ साथ आपको हमारा किचन भी दिखा देती हूँ। आई लाइक आवर किचन। हाँ हाँ, फंक्शनल किचन है भाई, अगर कुछ पकाना हो तो यहाँ पे गैस एंड सिलेंडर सब कुछ लग जाता है। हाँ, खाना वैसे बाहर से पका पकाया आता है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये परमानेंटली हमारे सेट पे लगा होता है, ये ब्लैक क्लॉथ, ये सब लाइटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। वैसे इस किचन की खासियत ये है कि यहाँ पे सिर्फ खाना बनाने की सीन्स नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे हमारे साउंड रिकॉर्डर्स दादा भी बैठते हैं अपना सेटअप लगा के, स्पेशली जितने भी हमारे हॉल में सीन्स होते हैं तो उस समय साउंड का सेटअप लगा होता है किचन में। आइए अब आपको ले चलती हूँ हमारे ऊपर के फ्लोर पे। क्या या
चवान हाउस इज डबल स्टोरीड। ये सीढ़ियां जो कि हॉल से ही ऊपर को जाती है। फिर ऊपर भी एक रूम है जो दिखता तो हॉल के जैसा ही है पर आज तक कभी यूज नहीं हुआ है। फिर बालकनी भी है। बस इस हॉल से गुजरते ही हमें मिलती है चवान निवास की बालकनी। मैंने सही के साथ यहाँ पे एक बहुत प्यारा सीन शूट किया था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट सीन। और ये है पत्र लेखा का रूम। चलिए अच्छे से दिखाती हूँ। हेलो, ये जो लेटे हुए महाशय वो सम्राट नहीं है बाय द वे। पत्रलेखा का रूम सुनकर आप ये ना सोचे कि इसके रूम में सम्राट लेटा हुआ है। वाओ, आई थिंक पत्रलेखा रूम हैज द बेस्ट व्यू इन जवान निवास। हाँ भाई, घर की बड़ी बहू है तो रूम तो अच्छा मिलना ही था। अब पाखी का रूम देखा है तो फिर विराट का रूम दिखाना भी बनता है। तो अब आप देख रहे हैं आपके फेवरेट साईराट का रूम, मतलब सई और विराट का रूम। अब सई और विराट का रूम अगर आप लोगों ने जी भर के देख लिया हो तो उन दोनों की फेवरेट देवयानी का रूम देखिए, मतलब कि मेरा रूम जो एकदम सई और विराट के रूम के पास ही है। है ना क्यूट रूम। वेल, देवयानी का रूम भी मल्टीपर्पस रूम है। कभी ये देवयानी का रूम होता है तो कभी ये निनाद और अश्विनी जी का रूम बन जाता है, कभी ये भवानी जी का रूम बन जाता है, तो कभी ये शिवानी बुआ का रूम बन जाता है। अभी फिलहाल तो ये देवयानी का रूम है। है ना एकदम क्यूट, देवयानी के जैसे। ये आंटी कौन है और ये कौन सा दरवाजा बंद कर रही है? ओ, पुलिस स्टेशन। हाँ जी, नागपुर सिटी का पुलिस स्टेशन भी हमारे चौहान निवास के गेट के अंदर ही है। हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। वैसे राइट नाउ तो ये पुलिस स्टेशन ऑपरेशनल नहीं है बिकॉज विराट इज बिजी बीइंग अ हस्बैंड एंड अ सन। जो आप बड़ी इमारत देख रहे हैं ये है सई का कॉलेज और इसको हम कभी कभी हॉस्पिटल जैसे भी यूज कर लेते हैं। आपको अंदर का टूर नहीं दिखा पाई हूँ बिकॉज अंदर बड़ी बुरी हालत में था, ये बहुत सारा सामान रखा हुआ था। सो आई थॉट इट्स बेटर कि मैं आपको बाहर से बिल्डिंग दिखा दूँ। इसके बाद मैं आपको हमारे सेट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाली हूँ और वो है, नहीं नहीं दिलीप लांडे खिलौने की शॉप नहीं है, वो है हमारे ग्रीन रूम्स। परसराम प्योर चिकनकारी कलेक्शन के नीचे किसका रूम है? भवानी जी का। वेल, इस दिन कोई और बैठा था इस रूम में। प्रियंका ब्यूटी पार्लर में कौन बैठता है? वेल, यूजुअली 8 नंबर रूम में बैठते हैं
शिवानी बुआ और करिश्मा भारत फोटो स्टूडियो में बैठते हैं अश्विनी। तो यूजुअली जब हम एक्टर्स एक दूसरे के ग्रीन रूम में बैठते हैं तो हम उन्हें ये बोलते हैं कि चल प्रियंका ब्यूटी पार्लर में बैठते हैं, चल भारत फोटो स्टूडियो में बैठते हैं। Isn't it funny and amazing? इतना ग्रैंड सेट है और इतनी दूर तक फैला हुआ है, आई एम नॉट श्योर इफ आई वॉज एबल टू डू जस्टिस टू आर सेट और नॉट, बट आई होप जो भी मैंने आपको मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से दिखाया है हमारा सेट, वो आप लोगों को पसंद आया हो। सो प्लीज राइट इन द कॉमेंट्स वॉट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट आवर सेट्स, लाइक एक्चुअली द BTS और द बिहाइंड द कैमरा ऑफ आवर सेट्स, एंड वॉट एल्स वुड यू वॉन्ट टू सी। Thank you. Badmash, one no.